अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के भाई की मुस्लिम युवकों ने पिटाई कर दी। घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। उन्होंने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी सुनते ही पुलिस ने आनन फानन में मारपीट, जानलेवा हमला, धमकी समेत SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद कर्मचारी शांत हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र के इस चौराहे स्थित पूर्वा अहिरान में कांग्रेस से प्रदेश महासचिव मनिंदर सूद रहते हैं। उनका भाई हृदेश सूद नगर निगम में सुपरवाइजर है, जिसकी ड्यूटी वार्ड 70 में चल रही है। बुधवार देर रात आंधी बारिश की वजह से नाले व नालियां ब्लॉक हो गई थी। इसी सूचना पर हृदेश बनिया पाड़ा में कर्मचारियों को लेकर सफाई कराने गए थे। तभी क्षेत्र में रहने वाले मोइनुद्दीन व उसके साथियों ने हृदेश से अभद्रता करनी शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह हृदेश जान बचाकर थाने पहुंचा और घटना की जानकारी कर्मचारियों और पुलिस को दी। घटना का पता चलते ही सफाई कर्मचारी नेता कैलाश चंदोल, दीपक मनोठिया, भाजपा के पार्षद कुलदीप राजेश वाल्मीकि, अरुण मचल समेत हिंदू संगठन से सचिन सिरोही थाना पहुंच गए। सफाई कर्मचारियों ने थाने के बाहर बैठकर जमकर हंगामा किया। अगर नहीं करते तो ऑप्शन यही से मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई थप्पड़ मारे बर्दाश्त कर लूं मैं। मेरे बड़े भाई उनमें थप्पड़ मारे मैं बर्दाश्त कर लूं। आपका काम हमसे ठीक है, लेकिन मेरे भाजपा ने हमें दोनों को सभासद बनवाया, पर वो इसलिए बनवाया कुलदीप को मुझे समाज के लिए बनवाया। अब मैंने बड़े अधिकारी से बात करी, उन्होंने कहा तुम्हें बना तो दिया हमने सभासद, अब जाओ लड़ाई लड़ो। अब मैं इनकी लड़ाई कैसे लड़ू? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी यहाँ से एक आदमी ठीक है, मुकदमा दर्ज अब करो, आधे घंटे में करो, 15 मिनट में करो। सहमत हो या गलत हो भैया? पहले गिरफ्तारी उसके बाद यहाँ से लोग जाएंगे। अब आप फोर्स लगा लो, एक थाने के लगाओ या चार थाने के लगाओ, ये कोई तरीका नहीं है। पहले वहाँ भगत सिंह मार्केट में इतना बुरा हाल है, दूसरा ये है मतलब शहर की वजह तो आप लोग खराब करवाना चाह रहे हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन करवाना चाह रहा, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें बताओ क्या हुआ? चार लोग क्या होती 354 में धारा कितनी बढ़ाई आपने? उसके बाद धारा पड़ी है जो लीगल बड़ी बारी क्यों नहीं हुई? आज 4 दिन हो गए उस घटना को, 6 दिन हो गए, 2 वीडियो वायरल हो गए उसमें, यहाँ कर्मचारी पिट रहा हिंदू, बताओ आप मतलब किस तरीके का प्रशासन काम कर रहा है? अपने किराए के तुम्हारे हंस रहे हो, बैठो बैठो भैया, बैठो 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 भैया बैठो। इस बारे में पीड़ित ने यह जानकारी दी। क्या मामला हुआ था? दुर्व्यवहार किया गया है, उनका नाम है, उन्होंने मुझे वहाँ मौके पे बुलाया कि सफाई नहीं हुई, मैं सफाई करा दूंगा ना मयूदीन का, और उन्होंने मेरे साथ गाड़ी गुस्से उतर मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे पूरे फाड़े और कहा के भूमियों को ज्यादा चर्बी चल रही है, काम आम नहीं करने के अभद्र व्यवहार कर रहा है। कब की घटना है? पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में यह जानकारी दी। नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज सुबह सफाई कर रहे थे, इस दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम मैनुद्दीन है, उन्होंने सफाई के बारे में कुछ बातचीत की और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनका जो आरोप है कि उन्होंने अभद्रता और मारपीट की, जो पीड़ित पक्ष है मजरूह है उसका मेडिकल कराया गया है, उससे तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य संकलित होंगे उस आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर पिस्टल तक तानी है। जो भी साक्ष्य होगा, आसपास के हम CCTV कैमरे दिखवा रहे हैं, जो भी घटना जिस रूप में हुई होगी,
जिसका साक्ष्य होगा उसके अनुरूप धाराएं बढ़ेंगी और उसके अनुसार विधि कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी पर। हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।